गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं गाइस? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अगर आप लोग अच्छे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आज की जो न्यूज होने वाला है बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि जियो ने अपना पटाखा ऑफर लॉन्च कर चुका है। अगस्त को यानी कल के दिन AGM लॉन्च हो रहा है। AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कल के दिन होने वाला है। क्योंकि ऑल टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे जो अश्विन वैष्णव जी है, जो टेलीकॉम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि कल के दिन 5G कब लॉन्च होगा, कब अवेलेबल होगा, वो सब कुछ वो कल के दिन ही बताएंगे। तो जियो ने एयरटेल और जो अन्य जो टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है वो सब लोग कल के दिन मीटिंग होगा। वो लोग बताएंगे कि जो उनके जो नया नया जो रूल्स, नया नया जो रिचार्ज प्लान, जो नया नया जो डिवाइस वो लॉन्च करेगा, वो सब कुछ वो कल के दिन बताएंगे। और कुछ कुछ जो लीक खबर हम लोगों ने इकट्ठा किया है तो वो हम आपको आज बताएंगे। तो गाइस, जो 5G जो मेजर सिटीज में लॉन्च होगा वो है 13 सिटीज में लॉन्च होगा। 13 सिटीज में अब तक हमें 5G देखने को मिलेगा, और उसके बाद पूरे इंडिया में जो जितने भी सिटीज है उन सभी में हमें देखने को मिलेगा। अब तक यही न्यूज है। और 29 अगस्त को हमें पूरी फुल्ली डिटेल्स मिलेगा कि कब किन किन सिटीज में लॉन्च होगा, कब तक लॉन्च होगा, कितने ब्रांड से, वो कौन से फोन में हमें देखने को मिलेगा, और कुछ जो जो डिटेल्स है वो हमें 29 अगस्त को मैं लेके आऊंगा। तो कल के दिन आप वेट कर लीजिए, क्योंकि जो जो फीचर्स है, जो जो सब कुछ नया न्यूज होगा मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो गाइस, तो पहले जो खबरें हैं वो हम बताएंगे कि 29 अगस्त को जो AGM होने वाला है, जनरल मीटिंग होने वाला है, उनमें जियो ने अपना न्यू 5G फोन लॉन्च करेगा, जो उसका जो प्राइस है वो है 12,000 के रुपीज। तो पता नहीं गाइस कि जियो जो 5G फोन लॉन्च करेगा अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो तो देखने के बाद पता चलेगा हमें। पर उसके जो फीचर्स है वो हम आज बताएंगे, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो जो स्पेसिफिकेशन है गाइस वो है एंड्रॉइड 12 पे बेस होगा। डिस्प्ले होगा 6.5 इंच का IPS LCD स्क्रीन। जो पिक्सल होगा वो है 720x1600। जो टच जो सैंपल होगा वो है 700, वो है 270 पिन देखने को मिलेगा, यानी कोई फिंगरप्रिंट नहीं होगा इसके अंदर। या फिर हो सकता है कि साइड में जो साइड माउंटेड फिंगर भी है वो हमें देख सकता है, या फिर सिर्फ फेस लॉक ही देख सकते हैं। तो वो तो लॉन्च डेट के बाद हमें पता चलेगा। और इसके अंदर 2010 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। अब जब कैमरा के बाद हम आते हैं तो उनमें हमें देखने को मिलेगा 30 MP का रियर कैमरा और 1080 का फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग और 8 MP का फ्रंट कैमरा हमें देखने को मिलेगा। जो हमें जब इसके अंदर जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 480 चिपसेट और 2 GHz पे ये बेस है ऑक्टा का प्रोसेसर। पर इसके जो प्रोसेसर है, जो 480 का जो प्रोसेसर है, जो प्राइस में मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है हमें। अगर वो 662 या फिर 660 प्रोसेसर होता या फिर 695 प्रोसेसर होता बहुत ही बढ़िया होता, पर 640 चिपसेट दे रहा है इस प्राइस में, ठीक ठाक ही है। और रैम है 4GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी हमें देखने को मिलेगा, और अप टू हमें इसमें 512GB तक मेमोरी कार्ड हम डलवा सकते हैं इसके अंदर। बैटरी हमें देखने को मिलेगा वो है 3500 mAh की एक बैटरी देखने को मिलेगा, पर अभी तक चार्ज का कोई मेंशन नहीं हुआ कि चार्ज जब वो कितने वाट का आएगा, वो तो हमें 29 अगस्त को ही पता चलेगा। कैसा लगा आपको न्यूज? तो गाइस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा आप सभी के लिए। और गाइस, जो जो मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, जाके पिछले वीडियो देख लीजिए। तो चलिए, बाय, टेक केयर।